চিনেমাৰ কাহিনী নহয় সঁচা কাহিনী নহয় ভাৰতৰ অন্য প্ৰান্তৰ দৃশ্য নিস্বাৰ্থভাৱে শিক্ষাদান কৰা এইজন অসমৰ যুৱক টিনপাতৰ তলত প্ৰচণ্ড শীতত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে মন পুতি পঢ়িছে কঠিন অংকবোৰ সহজতেই বুজিব পাৰিছে দুই শতাধিক দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেৱামূলক শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশান্ত পুনা নামৰ যুৱকজনে গুণগত শিক্ষা প্ৰদানৰ উদ্দেশ্য গোলাঘাটৰ প্ৰশান্ত পুনাই দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে টকাৰ অভাৱৰ বাবে যাতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা নহয় সেয়ে শিক্ষাদানৰ বিনিময়ত কোনো ধৰণৰ মাচুল নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই তেওঁ মেৰা কোচিং চেণ্টাৰ শুৰু হোৱা তা সন 2017 সে আৰু আব তক চল ৰহা হ্যায় कितने स्टूडेंट हैं अभी तकरीबन इस साल 200 प्लस स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं और आप फीस कैसे लेते हैं कितना फीस लेते हैं फीस का कोई अमाउंट नहीं है जो दे सकते हैं अपने हिसाब से वो लोग दे के जाते हैं गुरु दक्षिणा समझकर वो लोग हमें ले लेते हैं आर्थिक रूप से जो लोग स्वस्थ नहीं है उन लोगों से आप क्या मुफ्त में उन लोगों अगर कोई कहे कि कोई बच्चा अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो उन बच्चों के लिए विद्याज्योति कोचिंग सेंटर मुफ्त में पढ़ाता है অধিকাংশ দৰিদ্ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়াকৈ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা লাভ কৰিছে শিক্ষা কেন্দ্ৰটোত প্ৰদীপ দত্ত নামৰ এগৰাকী সচেতন লোকৰ সহায়ত শিক্ষক প্ৰশান্ত পুনাই প্ৰায় 30 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আৱাসিক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰিছে কোচিং চেণ্টাৰটোত কিন্তু প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধা নথকাৰ বাবে শিক্ষাদানত যথেষ্ট অসুবিধাৰো সন্মুখীন হৈছে উদ্যমী শিক্ষক প্ৰশান্ত পুনা भी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा काम कोई करे तो उससे सहायता प्रदान करते हैं जैसे कि जब मैंने ये कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया जब बच्चे लोग को देखते हैं कि 2400 घंटा यहाँ पढ़ाई चलता है तो कोई महानुभव आकर देखते हैं कि इसको ये बेंच दो टुक चाहिए किसी को फैन चाहिए फैन एक टू चाहिए जो भी चीज़ चाहिए होता है कुछ लोग डोनेट कर देते हैं सेंटर में या आपको मुफ्त में शिक्षा दान करने का वो आपका आइडिया कैसा है आपको क्यों आया कोई पुराना कहानी है आपके साथ कोई घटी है मेरे माता पिता चाय बागान में काम करते हैं उन लोग का मजदूरी ज़्यादा नहीं होता है 150 रुपया 200 रुपया होता है अगर वे अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहें तो ये कोचिंग ट्यूशन के लिए 500 रुपया 1000 रुपया 5000 6000 7000 ऐसा पे करना होता है लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता ये कर नहीं सकते तो उन बच्चों के लिए ये सेंटर हमेशा खुला है मुफ्त में खुला है मेरा पानी पर राजीव कर्मकर रिपोर्ट जाइमी वंस इन अ लाइफटाइम म्यूजिकल एक्सट्रावागेंजा द वन एंड ओनली एआर रहमान Concert for Peace 1st of February 2023 at ACA Stadium Barsapara Guwahati Tickets now available on Book My Show and Paytm Insider